नहीं है, आपने 12th में भी प्रैक्टिकल किया था, उस टाइम भी आपको ऐसा लगा होगा कि यार प्रैक्टिकल है यार, यार कम नंबर नहीं भेजा, ऐसा लगता था, सबको लगता है, तो वो दौर भी तो गुजर। हे गाइस, तो कैसे हो आप सब, ठीक होंगे। आज की वीडियो में अपन जानने वाले हैं BSE प्रैक्टिकल एग्जाम 2023, वो चाहे नॉन कैंडिडेट हो चाहे रेगुलर कैंडिडेट हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले, ठीक है। तो इसमें अपन कंप्लीट डिटेल से अपन चीज़ें सारी की सारी देखने वाले हैं कि किस प्रकार प्रैक्टिकल होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, इनमें कितने कितने अंकों का आपका प्रैक्टिकल होता है, पास मार्किंग आपको कितने लाने होंगे, प्रैक्टिकल की पूरी प्रक्रिया देखने वाले हैं, कितने भागों में इसको बांटा गया है, और नॉन और रेगुलर प्रैक्टिकल में अंतर क्या होता है, सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि पिछले कुछ ईयर रहे उनमें कोरोना रहा तो पास कर दिया गया आपकी रिकॉर्ड फाइलों के आधार पर, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, आपको पूरा प्रैक्टिकल करना होगा, आपको कलम से क्रांति करनी होगी, तैयार हो जाओ। और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये सारी की सारी चीज़ें पूरी समझनी होगी, क्योंकि जब भी अपन युद्ध में जाते हैं तो पूरे शस्त्रों के साथ जाते हैं और पूरी जानकारी के साथ में अपन जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन जानेंगे कि ये जो सब्जेक्ट हैं उनके जो मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं, टोटल कितने अंकों का आपका प्रैक्टिकल होता है, वो अपन यहाँ पर देख लेते हैं। जो केमिस्ट्री हो है 50 अंकों का होता है, केमिस्ट्री 50, फिजिक्स 50, जूलॉजी 50, बॉटनी 50, और ये 30 नंबर का हो जाएगा। मैथ में थोड़ा अंतर पाया जाता है, तो ये 50 अंकों का, ये भी 50 अंकों का, ये भी 50 अंकों का, ये भी 50 अंकों का, ठीक है, और ये 30 अंकों का आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। ये मैक्सिमम मार्क्स है, टोटल है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, पास मार्किंग, आपको पास करने के लिए कितने अंक लाने अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसमें फेल भी कर दिया जाता है यदि आप वहाँ पर उपस्थित नहीं होते उस समय पर, और सारी की सारी चीज़ें आप नहीं करते तो आप निश्चित ही वहाँ पर फेल करार कर दिए जाओगे। तो आपको निश्चित समय पर आपको वहाँ पर उपस्थित होना है। तो मार्क्स यहाँ पर देखो, 18 नंबर आपको लाने अत्यंत आवश्यक है केमिस्ट्री में, यहाँ पर भी 18 नंबर, यहाँ पर भी 18 नंबर, यहाँ पर भी 18 नंबर, और यहाँ पर आपको थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा 11। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सारी की सारी जो सब्जेक्ट है उसमें सेम पैटर्न चल रहा है, लेकिन मैथ में अंतर पाया जा रहा है। यहाँ पर आपको 11 मार्क्स पास होने के लिए, पासिंग मार्क्स 11 है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया क्या? हाँ, क्लियर हो गया होगा आशा करता हूँ। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रैक्टिकल की पूरी प्रक्रिया, यानी जो प्रोसेस होता है किसी भी काम को करने का, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे क्या हो, आपकी जो एग्जामें हैं वो भी एक प्रोसेस से होती है, तो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखो, इस पूरे के पूरे प्रैक्टिकल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो पहला भाग है इसका, वो आपका लिखित लिखित जो परीक्षा होती है वो देनी होती है, ठीक है। आपकी जो लिखित परीक्षा होगी, इसमें क्या होता है कि जो एक्सटर्नल जो आता है आगे से, वो आपको क्वेश्चन बनाकर देता है, और इसका जो सिलेबस है ना वो भी डाल रखा है। तो सिलेबस के अनुसार चलोगे आप, याद करके चले जाना कितने अंकों का, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने क्वेश्चन आपको बना के देता है, ठीक है। तो ये लिखित परीक्षा होगी, इसके बाद में जस्ट आपका लैब प्रैक्टिकल होगा, लैब में जाकर आपको प्रैक्टिकल करना होगा, ठीक है, लैब में जाकर आपको प्रैक्टिकल करना होगा। जिस प्रकार ज्योग्राफी, जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट वाले होते हैं ज्योग्राफी, उनको फील्ड सर्वे दिया जाता है, यानी मैदान में जाकर सारे सारे चीज़ें प्रैक्टिकल करना होता है, उसी प्रकार आपको लैब में जाकर आपको प्रैक्टिकल करना होता है, ठीक है। तो लैब में जाकर आपको प्रैक्टिकल करना होगा, आपको क्वेश्चन से दे देगा वो कि भाई ये क्वेश्चन है और इसमें प्रैक्टिकल, इस क्वेश्चन का आप प्रैक्टिकल करो, उसमें जो चीज़ें समझानी होंगी वो आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से समझानी होगी। तो यहाँ पर देखो, आप कर लोगे, इसके बाद में आप रिकॉर्ड जो आपकी फाइल होती है, रिकॉर्ड आपको जो फाइल बनानी होती है, ठीक है, जो फाइल बनानी होती है वो आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर चौथा जो आपका वाइवा हो जाता है, वाइवा हो जाता है, ठीक है, यानी आप साक्षात्कार लिया जाता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं है ना, जो स्टूडेंट घबरा जाता है
कि वो ये सोचता है कि यार क्या पूछेगा, यहाँ तो मैं नंबर ले ही नहीं पाऊँगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि बोलने की हिम्मत रखो, क्योंकि अपन के अंदर, मेरे अंदर चाहे कितना भी ज्ञान हो, मैं चाहे कितना भी कालिदास हो संस्कृत का, यदि मैं चीज़ों को सामने प्रेषित नहीं कर पा रहा, बोल नहीं पा रहा, तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो फिर मेरे ज्ञान का क्या मतलब हुआ। तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ में बोलना है। यदि आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो तो आपको क्या बोलना है, सॉरी सर मेरे को नहीं आता। क्या बोलना है, प्यार से बोलना है, उसको हर्ट नहीं होना चाहिए। एक तो आप ऐसे बोलो कि सर मेरे को नहीं आता, मुझे नहीं याद है, ऐसे बोलो। और एक आप ऐसे बोल रहे हो कि सर सॉरी सर मुझे याद नहीं है, तो उसको ऐसा लगेगा, इस भाव से आपको उसको क्या लगेगा कि यार टैलेंट तो है लेकिन क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा बच्चा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर आपको अदर चीज़ें भी वो पूछ सकता है नॉलेज की। जैसे हम ज्योग्राफी में उस टाइम थे, प्रैक्टिकल दे रहे थे, तो वहाँ पर किसी को आंसर नहीं आ रहा था, तो उन्होंने ज्योग्राफी की मीनिंग ही पूछ ली। तो आपको ये सारी सारी मीनिंग भी पूछ सकता है वो प्रैक्टिकल में, यदि बड़े क्वेश्चनों का आंसर आप नहीं दे पा रहे हो, तो फिर वो हटकर क्वेश्चन पूछेगा। वो ये सोचेगा कि यार इसको है ना, जो ये बड़ा क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो छोटे क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा, वो सारी चीज़ें देखता है। आपका जो व्यवहार होता है वो भी देखता है, आप कितना कॉन्फिडेंस से बोल पा रहे हो, वो सारी की सारी चीज़ें, ये जो एक्शनल होता है वो यहाँ पर देखता है। और उसके, और यदि चुप रह गए ना, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। साफ कहना, सुखी रहना, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको चार भागों में विभाजित कर दिया। अब आगे चलते हैं, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनके मन में क्वेश्चन होगा कि नॉन और रेगुलर जो स्टूडेंट है, क्या उनके प्रैक्टिकल में कुछ अंतर पाया जाता है क्या, या कुछ क्या क्या अंतर हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आपके है ना, जो ज़्यादा तो कोई अंतर नहीं पाया जाता, जो पैटर्न है आपका प्रैक्टिकल का, इसमें कोई चेंज नहीं पाया जाता है, कोई अंतर नहीं पाया जाता है। अंतर किस बात का है, डेट का अंतर है। किस चीज़ का है, डेट का अंतर है। और आपके जो नॉन वाले हैं उनके एडमिट कार्ड अलग से जारी होते हैं, आपको जो कॉलेज दी गई हैं वहाँ पर जाकर आपको प्रैक्टिकल करना होता है, और जो रेगुलर स्टूडेंट है उसको वहाँ पर ही प्रैक्टिकल करना होता है, ठीक है। तो ज़्यादा अंतर नहीं है, बस आप डेट का ध्यान रखें और समय पर उपस्थित हों। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइम गुजर जाएगा, बातें याद रह जाएंगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपने ट्वेल्थ में भी प्रैक्टिकल किया था, उस टाइम भी आपको ऐसा लगा होगा कि यार प्रैक्टिकल है यार, यार कम नंबर नहीं भेजे, ऐसा लगता था, सबको लगता है। तो वो दौर भी तो गुजर गया ना, तो ये दौर भी गुजर जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेहनत करते रहो, और वो सुप्रीम पावर देख रहा है आपकी मेहनत, यदि मेहनत अच्छी करोगे तो वो सुप्रीम पावर अवश्य ही आपको उसका फल देगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी, यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बढ़िया सा कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।